जान वापस आ जाओ जान। मेरी ज्वेलरी, मेरी माँ की ज्वेलरी किसको दी है वो अभी तक नहीं पता। इस सबसे ज्यादा पीड़ित मैं हूँ। शादी से पहले मुझे सब कुछ पता ही नहीं था। कोई भी औरत, कोई भी इंसान जानबूझ के कभी भी कुएं में नहीं गिरता, अपनी जिंदगी खराब नहीं करता। आज मेरी जिंदगी खराब हो गई और मुझे इतने करीब से, मेरी सिर्फ ये एक फ्रेंड है मेरी, इतने जाना है, इतने करीब से कि आप दुनिया देश को मैं अपनी जर्नी बता नहीं सकती हूँ कि ये 8 महीने मैंने क्या गुजारे हैं। सब कहते हैं ओ माय गॉड राखी सावंत तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है, ओ माय गॉड राखी सावंत तुम इतनी स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डे मैं हूँ स्ट्रांग फिल्मों में बाहर, लेकिन जहाँ मेरे शादी का मामला आया, जहाँ मेरा प्रॉब्लम आया, शैतान ने पूरा मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी, पूरी ज़िंदगी की। ना सोच पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। जिंदगी की पटरी, शादी हुई थी तो इतनी खुश थी मैं, ऐसा लगा था कि अब मेरी शादी हो गई, मेरा पति है, मेरा बच्चा हो जाएगा, पहला रमजान में रोजे रखूंगी, उमरा जाऊंगी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा संसार। लेकिन जिंदगी को पता नहीं क्या मंजूर है, प्यार बार बार नहीं होता, बार बार प्यार नहीं होता, बार बार घर नहीं बसता और टूट जाती है। मैं टूट गई, सूझ नहीं रहा मुझे कुछ भी। आज मैंने उनको कोर्ट में देखा, आदिल को, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में अब मैं बहुत बड़े बड़े डॉनों से मिला हूँ। कहते आप सोच लो आपको क्या करना है। हाँ, पूरा धमकी था। आपने कोर्ट में कहा नहीं आपको धमकियां मिल रही है जेल से आने के बाद? मैंने मेरे एडवोकेट को बोला मैंने, बोला उसको देने दे धमकी, क्या करेगा वो, जिनसे मिला है तो वो भी तो अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है ना। और मुझे बोला कि एक बार भी नहीं बोला मैं सुधर जाऊंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं मारूंगा। राखी ने बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की अपना घर बचाने की, बहुत ज्यादा कोशिश की, और आज देखो कहां से कहां आ गए। काफी टाइम बात की मैंने, बहुत बार समझाया, इन्होंने तो समझाया था उसे अपना घर बर्बाद मत करो एक लड़की के लिए, पूछो। बहुत बहुत मैंने आदिल के हाथ जोड़े मिन्नतें की है कि अपना घर खराब मत करो, राखी को मत छोड़ो, राखी के साथ रहो, अपना घर सब कुछ होता है, अपना करियर लाइफ मत खराब करो, बट उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आज सब कुछ उल्टा हो गया है, सब कुछ। आज भी इनकी हालत देखो, कौन चाहता था, जो लड़की अपना घर बसाने के लिए निकली थी, कौन चाहता था कि ऐसा हो जाए, जो लड़की एक बेबी प्लान करना चाहती थी, आज उसकी हालत देखिए आप, सब कुछ खराब कर दिया आदिल ने, खुद की जिंदगी खराब कर दी, राखी की जिंदगी खराब कर दी, मम्मी सब खराब हो गया। आज इनकी हालत देखो, आज मैं कहां जाऊं, सबसे बात करी ऐसी, वो बात हुई है। वो पति चोर से भी बात करी, उसने सबसे बात करी, उस लड़की से तो मैंने काफी नाम नहीं ले सकते, हमें नहीं लेना है,
हमें और किसी को स्टार नहीं बनाना है, हमें और किसी को पब्लिसिटी नहीं देनी है। उसको भी समझाया था। लोग दूसरे के पेट पे पैर रख के आगे जाते हैं काम धंधा करने के लिए, करियर बनाने के लिए, वो लड़की तो इसका घर संसार तोड़ के आगे बढ़ रही है। किस तरीके से बढ़ेंगे आगे ये, क्या इनको सक्सेस मिलेगी? मेरा दिल दुखा के क्या मिला, मेरा घर खराब करके। पैसा तो आज नहीं तो कल मिल जाता, लेकिन मार पीट, 10 लड़कियों के साथ वो मेरे नजरों के सामने गए तो भी मैंने माफ कर दिया। कोई लड़की नहीं माफ कर सकती आज की तारीख में। एंड तक वो उस लड़की के साथ थे, तब तक मैं मेरे आदिल को बोलती रही, जान जान वापस आ जाओ जान। जिस दिन मम्मी का क्रियाक्रम हो रहा था उस दिन भी बात की है राखी ने कि मत करो। आप सबने देखा था उस दिन आदिल था हमारे साथ में, नहीं थे ना? उस दिन भी बोला है। क्या वक्त आ गया, अब आपको हौसला रखना। बहुत समझाया था। वो चाहते तो कोर्ट में लिखकर दे सकते थे जजमेंट, यू नो, जज को के मुझे माफ करो, मैं कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी सिक्योरिटी चाहिए ना, मुझे मेरी सिक्योरिटी चाहिए अब, कि मैं कभी बीवी को मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं लॉयल रहूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, राखी के पैसे हैं मैं दे दूंगा, यू नो, ये जज साहब के सामने वो रख सकते थे। अगर ये ऐसा सब हो जाता तो मैं भी कोई पागल थोड़ी हूँ, यू नो, मैं भी सोचती ना एक बार। जैसा कि आपको आदिल ने टॉन्ट किया या उनकी बारे में आपको बोला, क्या आप पुलिस से दरख्वास्त करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए? हाँ, उन्होंने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं जेल गया आथर रोड, इतना गंदा जेल, वहाँ पे मैंने बर्तन मांजे, लोगों के लिए चाय बनाई, लोगों के पैर दबाए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोले। अथरोड जेल में बहुत मारते पीटते भी है ऐसे केसों में, तो और बोले कि इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन मैं आऊँगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा तो क्या इससे बुरा मेरा क्या हो सकता है, मैं तो ऐसी भी जिंदा लाश हूँ, न खाती हूँ न पीती हूँ, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, तुमने 1% भी प्यार किया होता मुझसे। मेरे पास ऐसे ऑडियो वीडियो है जो मैं नहीं दिखा सकती मीडिया को। शादी के बाद वो ईरानी लड़की को तुमने सुना ना, बिल्कुल, आई लव यू, माई जाने मन, माई जान, माई लव, गिव मी सम टाइम, I will take her all money. I mean Rakhi's money. And I will leave her. ये तो मैं अभी सुन रही हूँ, मुझे पहले नहीं मालूम था, वरना ये आज जो दिन है वो बहुत पहले हो जाता। लड़कियों के लिए ज्वेलरी खरीदना, सब कुछ है उसके अंदर। उसके मेरे पैसों से उसके लिए ज्वेलरी खरीद रहा है, उसको खुश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी ज्वेलरी, मेरी माँ की ज्वेलरी किसको दी है वो अभी तक नहीं पता। I don't know. इस सबसे ज्यादा पीड़ित मैं हूँ। जेल में तो एक बार इंसान कहता है कि सजा काट लेता है, मैंने भी उतनी ही सजा काटी जितनी मैं बाहर हूँ। एक दिन भी शांति, मैं घर भी नहीं जा रही हूँ, मैं शांति से मैं बाहर ही बाहर भटक रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। सबको लगता होगा कि राखी मजे से बिल्कुल भी नहीं, जितनी सजा आदिल अंदर काट रहे हैं उतनी ही दुगनी सजा बाहर ये काट रहे हैं। ना खाना खाते हैं, ना सोते हैं, ना घर जाते हैं, ना इनका मन लगता है घर जाने का। जितना हो सके हम उनके साथ में रहते हैं, उनको सुलाते हैं। मैं सिर्फ नमाज पढ़ रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ कि कैसे भी मेरे दिल से उनकी यादें मिट जाए, जो वक्त लगेगा।